एक्टर आमिर खान की पूर्व पत्नी और फिल्म मेकर किरण राव के निर्देशन में बनी लापता लेडीज ने रिलीज के बाद से ही लोगों का खूब ध्यान आकर्षित किया है। ये फिल्म सशक्तिकरण और आत्मखोज की कहानी पेश करती है, जो दो युवा दुल्हनों पर केंद्रित है जिन्होंने ट्रेन की यात्रा के दौरान खुद को खो दिया था, लेकिन बाद में वे महिलाओं पर सामाजिक बाधाओं से निपटती है और उन्हें मुक्त होने के लिए प्रोत्साहित करती है। नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई फिल्म दर्शकों को काफी पसंद आ रही है, जिसका मुख्य कारण है फिल्म की स्टारकास्ट द्वारा निभाए गए किरदार। दरअसल सभी कलाकारों ने जिस तरह से अपने किरदार निभाए हैं वह वाकई काबिले तारीफ है। आपको बता दें कि मूवी में नितांशी गोयल, प्रतिभा रांडा, स्पर्श श्रीवास्तव, छाया कदम और रवि किशन मुख्य भूमिकाओं में हैं। वैसे तो फिल्म में हर कलाकारों ने कमाल दिखाया है, लेकिन स्पर्श श्रीवास्तव सरप्राइज एलिमेंट साबित हुए हैं। हालांकि स्पर्श को इंडस्ट्री में पहचान बनाने में 10 साल लग गए हैं, तो आइए एक नजर डालते हैं उनकी प्रोफेशनल और पर्सनल जर्नी पर। राजस्थान के राजा खेड़ा में जन्मे स्पर्श श्रीवास्तव ने एक डांसर के रूप में अपना करियर शुरू किया था, जब उन्होंने 2010 में रियलिटी शो चक धूम धूम में भाग लिया था। स्पर्श सिर्फ 11 साल के थे। इसके बाद स्पर्श श्रीवास्तव को बालिका वधु शो में भी देखा गया था, जिसमें उन्होंने कुंदन की भूमिका निभाई थी। इसके बाद फियर फाइल्स और महाराजा रणजीत सिंह जैसे शो में भी उन्हें देखा गया था, लेकिन 2020 ने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया, क्योंकि उन्हें क्राइम बेस्ड सीरीज जामताड़ा सबका नंबर आएगा के लिए चुना गया था। शो में सनी का किरदार निभाने वाले स्पर्श को उनके सहज अभिनय के लिए काफी सराहना मिली थी। जामताड़ा सबका नंबर आएगा की सफलता के बाद आमिर खान ने उनकी परफॉर्मेंस के लिए उनकी तारीफ करने के लिए स्पर्श को कॉल किया था। हालांकि स्पर्श को लगा कि वह कोई स्पैम कॉल है और उन्होंने उसे कट कर दिया था। इस बारे में स्पर्श ने एक इंटरव्यू में कहा था, जब मुझे विश्वास नहीं हुआ तो मैंने सर से एक वॉइस नोट भेजने के लिए कहा था। फिर उन्होंने कहा कि वह थोड़ी देर में मुझे वीडियो कॉल करेंगे। जब उन्होंने फोन किया तो मैं कैमरे को अपने हाथ से ढक रहा था। मैं अब भी यही सोच रहा था कि कोई मुझे बेवकूफ बना रहा है, लेकिन फिर मैंने देखा वह ठीक रोशनी के नीचे बैठे थे। उनकी स्किन ग्लो कर रही थी, उन्होंने क्रीम कलर की शर्ट पहनी हुई थी और मैं एक्साइटेड हो गया। स्पर्श ने लापता लेडीज में दीपक की भूमिका निभाई है। उनका किरदार इतना शुद्ध था कि आमिर खान हैरान रह गए। नेटफ्लिक्स इंडिया के साथ बातचीत में आमिर खान ने दीपक के किरदार के बारे में बात करते हुए कहा था, मैं दूसरों की परफॉर्मेंस कागज पर ही देख सकता था, लेकिन स्पर्श का किरदार कागज पर इतनी स्पष्टता से नहीं लिखा गया था। उसके पास करने को कुछ नहीं था, वह बस घबरा रहा था और इधर उधर भाग रहा था, लेकिन जब मैंने उसे अभिनय करते हुए देखा तो मैं हैरान रह गया। 2017 में ऐसी खबरें आई थी कि स्पर्श श्रीवास्तव ने अपने पिता के खिलाफ अय्याशी में लिप्त होने की शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने अपनी मां रागिनी श्रीवास्तव के लिए भी सुरक्षा की मांग की थी। उनकी मां ने अपने पति दिनेश श्रीवास्तव पर 14 लाख रुपए हड़पने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए थे। फिलहाल सालों के संघर्ष के बाद आखिरकार स्पर्श श्रीवास्तव की मेहनत रंग लाई। तो लापता लेडीज में उनकी परफॉर्मेंस के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।